भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही पूर्व साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों ने यहाँ पर अपने माइंड गेम शुरू कर दिए। जी हाँ, माइंड गेम। यहाँ पे कैसे माइंड गेम वो आपको बताते हैं। पूर्व साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी जैक कालिस का विराट कोहली को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। जैक कालिस ने कहा है कि विराट कोहली एक शानदार खिलाड़ी है, एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी है और वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल निभाएंगे यहाँ पर अगर टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका में सीरीज जीतनी है। आपको बता दें कि भारतीय टीम आज तक कभी भी साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है। कई बार उस जीत के वो करीब आए लेकिन जीत का स्वाद नहीं चख पाए। अब इसी बारे में बात करते हुए जैक कालिस ने कहा कि अगर टीम इंडिया को सीरीज जीतनी है तो विराट कोहली को एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे निभाना होगा। ये है तो तारीफ, लेकिन इस तारीफ के पीछे कहीं ना कहीं एक माइंड गेम है। माइंड गेम है दबाव बनाने का। माइंड गेम है यहाँ पे कि किस तरह से ज्यादा प्रेशर डाल के परफॉर्मेंस कम की जाए। और ये माइंड गेम के बारे में रविचंद्रन अश्विन पहले ही बात कर चुके हैं कि कैसे बड़े टूर्नामेंट या बड़ी सीरीज से पहले यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों पर प्रेशर बनाया जाता है, उनको ग्रेट बोला जाता है, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर, उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर डाला जाता है और कहा जाता है कि भाई भारतीय टीम से सावधान रहिएगा, ना तो वो पलटवार कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ इस वक्त पूर्व साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी भी कर रहे हैं। जैक कालिस ने तारीफ तो की है लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर भी डाल दिया है। इनसे पहले फैफ डु प्लेसिस ने भी ये बात बोली थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास एक मोटिव होगा वनडे वर्ल्ड कप की हार को भुलाने का भी, कि अगर आप साउथ अफ्रीका में सीरीज जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो वो हार मिली है आप उसको भुलाने की कोशिश कर सकते हैं। फैफ डु प्लेसिस और जैक कालिस से पहले एबी डिविलियर्स ने भी ये बात बोली थी कि विराट कोहली से बच के रहना। उन्होंने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को चेतावनी भी दी थी, बोला था कि विराट कोहली एक शानदार खिलाड़ी है, अगर वो अपनी फॉर्म में आ गए तो सिंगल हैंडेडली वो पूरी सीरीज को भारतीय टीम की तरफ झुका देंगे। तो कहीं ना कहीं ये माइंड गेम्स शुरू हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि विराट कोहली जो अपने बल्ले से जवाब देना जानते हैं वो कैसा जवाब देते हैं, क्योंकि जैसे विराट कोहली का सेलिब्रेशन है ना कि उनका बल्ला बोलता है, वो नहीं बोलते हैं। इंतजार भारतीय फैंस को यही होगा कि इस बार साउथ अफ्रीकी जमीन पर विराट कोहली का, रोहित शर्मा का बल्ला जमकर गरजे और टीम इंडिया का जो जीत का सूखा है वो आखिरकार इस बार खत्म हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए ये टेस्ट सीरीज कैसी रहने वाली है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।